ठीक है, ओमकार टंगसले भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के एनालाइज करने के लिए। ओमकार, वैल्यूएशंस जो अभी है आईटी कंपनीज के टॉप टू बॉटम वर्सेस जो एक्सेंचर ने हिंट किया है, क्या लेने का समय आ गया या अभी इतना अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड नहीं हुआ है? नहीं, आप देखा जाए तो एक्सेंचर एक मुझे तो पॉजिटिव सरप्राइज में देखता हूँ एक्सेंचर के रिजल्ट्स की तरफ, क्योंकि आप देखोगे तो मेजॉरिटी जो स्लगिश डिमांड उसने गाइड किया है या फिर उसने एक स्लोडाउन की इंडिकेशन किया है वो उसको कंसल्टिंग बिजनेस में किया है, ना कि मैनेज सर्विसेज में, जो इंडियन आईटी सर्विसेज के कंपेरेबल है और सिमिलर काइंड ऑफ सर्विस है उसका। आप देखोगे तो इट स्टिल रिमेन रेजिलिएंट, बहुत स्ट्रॉन्ग अभी तक दिखाई दे रहा है। हाँ, हालांकि थोड़ा एक कपल ऑफ क्वार्टर्स के लिए थोड़ा स्पेंड कट्स हो सकता है या फिर डिले इन द स्पेंड हो सकता है, वो भी उन्होंने बताया था, लेकिन स्टिल डबल डिजिट ग्रोथ वो एक क्लाउड और अलाइड सर्विसेज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है मेरे हिसाब से। आप देखा जाए तो आईटी सर्विसेज ने अभी तक कुछ ज्यादा कंपैरेटिवली ऑन रेवेन्यू साइड ज्यादा इंपैक्ट नहीं किया, जो भी कट्स आया था वो मैक्सिमम वैल्यूएशन साइड में आया था बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज इन द डिमांड, लेकिन अभी तक तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। जो जो भी मैनेज सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज रेवेन्यू है वो स्टिल रेजिलिएंट है। आप डील विंस भी देखोगे तो एक पूरा 22 बिलियन का है, उसमें से 11 पॉइंट ऑड का जो कंसल्टिंग सॉरी मैनेज सर्विसेज है उसका रेवेन्यू है, उसका डील्स है, तो डील पाइपलाइंस भी अभी भी है, अच्छा है, आते हुए दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से जो कि इंडिया बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा डायरेक्टली कंपेरेबल है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये ट्रेंड चलता रहेगा, क्योंकि नोबडी नोज कितना रिसेशन आएगा या फिर उसका इम्पैक्ट कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, तो मेरे हिसाब से वो एक अभी एक शैलो रिसेशन की तरफ हेडिंग हो रहा है, क्योंकि अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स के लिए थोड़ा सा आईटी में स्पेंडिंग में डीले आप देख सकते हैं, लेकिन एक डिमांड स्ट्रेंथन है, कंटिन्यूज टू बी स्ट्रेंथन रहेगा, और मेरे हिसाब से आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इंडियन आईटी सर्विसेज को एक पॉजिटिव तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि उसका भी वैल्यूएशन मॉडरेट लेवल पे है और फ्री कैश फ्लो जनरेशन करता है, डिविडेंड बहुत रेगुलरली देता है, सो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है यहाँ से। ऑलराइट, आपसे मिस्टर सोलंकी आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी, ये तो आपका इस ठीक है मिस्टर ओंकार, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर राय देने के लिए और एक्सेंचर के नंबर्स आईटी स्टॉक्स पर बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए